गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वी आर सीइंग लेसन नंबर फर्स्ट, लोकल टाइम एंड स्टैंडर्ड टाइम। इन प्रीवियस वीडियो वी हैव सीन द ऑब्जर्वेशन ऑफ वर्ल्ड मैप। ओके, बाय ऑब्जर्विंग वी हैव रिटन द आंसर। टुडेज वीडियो डियर स्टूडेंट, वी विल सी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ दिस लेसन। पेज नंबर 5, लॉन्गिट्यूड्स लाइंग to the east of any longitudes are ahead of the time at that longitudes, while those lying to west are behind. So dear student, all of you knows, okay, west side and east side. So those country are located in the west side, means those longitudes are in the west. Okay, their local time, okay, or you can say their time is behind than east, and those country are located in the east side, or those longitudes are in the east side. Okay, their local time is ahead of west side, means the east side. Okay, east side mein jo country hai, okay, uska jo local time hai wo west side se kya hota hai, zyada hota hai. Okay, और वेस्ट साइड की कंट्री का लोकल टाइम कम होता है। एज द डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड्स इंक्रीजेस, देयर लोकल टाइम आल्सो स्टार्ट डिफरिंग। मींस इफ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड्स, अगर वहां पे दो लॉन्गिट्यूड्स है, अगर दो लॉन्गिट्यूड्स है तो वहां का लोकल टाइम में भी क्या होगा, डिफरेंस होगा। बिकॉज ईच एंड एवरी लॉन्गिट्यूड्स, ओके, दे इंक्रीजेस देयर टाइम। मतलब इन प्रीवियस वीडियो ऑल्सो आई हैव टोल्ड यू, ओके, एज द लॉन्गिट्यूड्स रोटेट, ओके, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ओके, दे इंक्रीजेस देयर डिग्री एज वेल एज दे इंक्रीजेस देयर लोकल टाइम। मतलब जिस तरह से जो लॉन्गिट्यूड्स, ओके, रोटेट होते हैं, ओके, उसके हिसाब से उसका जो लोकल टाइम है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। डियर स्टूडेंट, दिस लॉन्गिट्यूड्स आर इमेजिनरी लाइंस, longitudes and latitudes, okay, these are the imaginary lines, okay. So if we multiply the difference between longitudes in degree by 4 minutes, then the difference in the respective local time can be calculated. If we multiply ईच एंड एवरी longitudes by 4 minutes, अगर हम उस longitudes को 4 minutes से multiply करते हैं, देन द डिफरेंस इन रिस्पेक्ट टू लोकल टाइम कैन बी कैलकुलेटेड। सो ओके, आपको उस कंट्री का, ओके, रिस्पेक्टिव कंट्री का या प्लेस का, ओके, एक्यूरेट आपको लोकल टाइम मिल जाएगा। द डिफरेंस इन लॉन्गिट्यूड्स कैन बी नोन विद द हेल्प ऑफ ग्लोब ऑन मैप। ओके, जो लॉन्गिट्यूड्स है उसको आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से, ओके, और अगर इफ यू विल मल्टीप्लाई द लॉन्गिट्यूड्स बाई 4 मिनट, ओके, यू विल गेट द एक्यूरेट local time of that particular countries. Carry out the activity given on page number 75 and 76 and understand the standard time of various location. See if you can find out the standard time as two opposite longitudes with the activity. Okay, so this one, page number, at last page number 75 and 76, okay, there is a activity, okay, that is a activity, and that activity, okay, you have to solve, okay, you have to observe that activity silently, okay, carefully, then you will get accurate locations. Okay, means what is the time of different type, different countries location, their standard time as well as their local time. So see, dear student, can you tell, okay, it is activity for you, Mumbai is located as 73 degree east. मुंबई में जो लॉन्गिट्यूड्स है वो कौन सा है, 70 डिग्री ईस्ट। कोलकाता इज लोकेटेड एट 88 डिग्री ईस्ट। वहाँ पर देखिए ये दिया है, मतलब अपना जो कंट्री है, ओके, वो ईस्ट साइड में। सो मुंबई इज लोकेटेड एट द 73 डिग्री ईस्ट एंड कलकत्ता इज लोकेटेड इन द 88 डिग्री ईस्ट। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूड्स ऑफ दिस टू सिटीज। सो उस दो लॉन्गिट्यूड में डिफरेंस कितना है, ओके, इट इज़ वेरी इजी, ओके, यू कैन सॉल्व इजीली। इफ द लोकल टाइम एट मुंबई इज 3 PM, अगर उसी लॉन्गिट्यूड का, जैसे कि आपको मैंने बताया कि मुंबई का लॉन्गिट्यूड 73 डिग्री है, वहाँ का टाइम 3 PM, मतलब दोपहर के 3 बज गए, देन व्हाट वुड बी द लोकल टाइम ऑफ कलकत्ता।
सो कलकत्ता का लोकल टाइम इतना होगा. ओके, यू हैव टू सॉल्व दिस. देन बोथ मुंबई एंड कलकत्ता आर लोकेटेड विद इंडिया बट डिफरेंट लॉन्गिट्यूड्स, देयर लोकल टाइम डिफर बाय एन आवर. इसलिए ओके देर इज वन आवर डिफरेंस, देर इज वन आवर डिफरेंस बिटवीन टू सिटीज मुंबई एंड कलकत्ता बिकॉज देयर लॉन्गिट्यूड्स आर डिफरेंट. बॉम्बेज लॉन्गिट्यूड इज 73 डिग्री ईस्ट एंड कलकत्ता लॉन्गिट्यूड्स इज 88 डिग्री ईस्ट. इफ देयर इज अ डिफरेंस लोकल टाइम विद इन अ कंट्री बिकॉज ऑफ लॉन्गिट्यूडल डिफरेंस, अगर वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट लॉन्गिट्यूड्स हैं एंड दोज ओके बोथ कंट्री आर इन अवर सेम कंट्री, सो वट विल बी देयर ओके बिकॉज ऑफ द लॉन्गिट्यूडल डिफरेंस, देन देयर विल बी अ लैक ऑफ ओके साइक्रोनाइजेशन, देन देयर विल बी अ लैक ऑफ synchronizations in the routine activity in the country. So synchronizations मतलब same time, उसको बोलते हैं समकालीन. ओके synchronization means same. So there will be, you can say, routine activities में क्या हो जाएगा, difference हो जाएगा because both countries are in the same country, both cities are in the same country and if there will be a difference between two countries, टू सिटीज़, अगर दोनों सिटीज़ में अगर लोकल टाइम अगर डिफरेंट डिफरेंस होगा तो अपने जो एक्टिविटीज़ है ओके हाउ वी विल फिनिश आवर डेली रूटीन एक्टिविटीज़. इफ ईच वन फॉलो लोकल टाइम डिस क्रैपनीज इमर्जिंग कैरिंग आउट डेली बिजनेस इन द कंट्री. सो इफ द वन फॉलो देयर लोकल टाइम, अगर दोनों कंट्री का अगर लोकल टाइम डिफरेंट डिफरेंस रहेगा सो देयर विल बी अ डिसक्रेपनीज. Discrepancy means there will be difference in the countries to do any type of business. Okay, your daily routines वहाँ पर क्या हो जाएगा, difference हो जाएगा. So therefore generally the local time at the longitudes which generally passes through the middle of the country is deemed to be the standard time for the country. इसलिए okay in our country decided only one longitudes, which longitude, that is 82.30 डिग्री ईस्ट. ओके दैट इज अवर मेन मीन्स वन लॉन्गिट्यूड एंड विद द हेल्प ऑफ लॉन्गिट्यूड ओके वी डिसाइडेड ओनली वन लोकल टाइम एंड स्टैंडर्ड टाइम. सो दिस स्टैंडर्ड टाइम इज यूज ऑल ओवर द कंट्री. ओके यही स्टैंडर्ड टाइम पूरे कंट्री में क्या किया है, रूटीन में लाया है. बिकॉज सी डियर स्टूडेंट देर आर टू लॉन्गिट्यूड्स और दोनों के बीच में देर इज अ डिफरेंस ऑफ वन आवर का डिफरेंस है. अगर यहाँ पे 3 बजे है मुंबई में तो वहाँ पे कितने बजेंगे, 4 बजेंगे कोलकाता में. सो हाउ विल वी फिनिश आवर डेली रूटीन आर आवर बिजनेस आर आवर स्कूल और अदर एक्टिविटीज, दैट्स व्हाई वी डिसाइडेड अ सिंगल वन लॉन्गिट्यूड्स एंड वन स्टैंडर्ड एंड वन लोकल टाइम. विथ रिस्पेक्ट टू बिजनेस एट ग्लोबल लेवल देयर शुड बी कंपैटिबिलिटी between the standard time of various countries. So to respect business at global level, okay, global level पे business करने के लिए there should be a compatibility. Compatibility means उसको बोलते अनुकूलता, अनुकूलता मतलब उसको हम बोल सकते हैं फ्लोरिस. ओके फ्लोरिस करने के लिए बिटवीन स्टैंडर्ड टाइम ऑफ वेरियस कंट्री, ओके अलग अलग कंट्री में ओके बिजनेस करने के लिए उसको सुटेबल, कंपैटिबिलिटी मीन्स सुटेबल बिजनेस करने के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम ओके डिसाइड किया है. टू फैसिलिटेट दिस वर्ल्ड हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 24 टाइम जोन. सो इन द वर्ल्ड ओके देर आर 24 टाइम जोन, पूरे वर्ल्ड में कितने टाइम जोन है, देर आर 24 टाइम जोन एंड दिस टाइम जोन हैव बीन क्रिएटेड विथ रेफरेंस टू प्राइम मेरिडियन इटसेल्फ. ओके जो प्राइम मेरिडियम्स है विद द हेल्प ऑफ प्राइम मेरिडियम्स ओके दे हैव डिवाइडेड 24 टाइम जोन इन द वर्ल्ड. ओके नॉर्मली इफ द डिफरेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूडल एक्सटेंट ऑफ कंट्रीज लेस देन 1 or 2 hours, ओनली वन स्टैंडर्ड टाइम इज कंसिडर फॉर द कंट्री. अगर इसके पहले भी हमने देखा है इफ देर इज डिफरेंस बिटवीन टू सिटीज 1 or 2 hours, एक ही कंट्री में दो सिटी में अगर 1 or 2 hour का डिफरेंस आता है तो कोई भी एक स्टैंडर्ड टाइम, कोई भी एक ओके एक लोकल टाइम वो डिसाइड करते हैं. ओनली वन स्टैंडर्ड टाइम कंसिडर फॉर द कंट्री इफ बट इफ द लॉन्गिट्यूडल एक्सटेंट ईस्ट वेस्ट इज मोर देन देन द स्टैंडर्ड टाइम इज नॉट इनफ एंड इन सच कंट्रीज मोर देन वन स्टैंडर्ड टाइम जोन आर कंसिडर. बट
इफ लॉन्गिट्यूडल एक्सटेंट, अगर लॉन्गिट्यूडल एक्सटेंट उसका ज़्यादातर पार्ट ईस्ट आता है और थोड़ा पार्ट वेस्ट में आता है, ओके, देन देयर विल बी अ मोर आर टू स्टैंडर्ड टाइम, वहाँ पे दो स्टैंडर्ड टाइम को डिसाइड करना पड़ता है, बिकॉज मोर देन देन द स्टैंडर्ड टाइम इज नॉट इनफ, बिकॉज उसका जो एक्सटेंट है, उस कंट्री का जो एक्सटेंट है ईस्ट में ज़्यादा है और वेस्ट में कम है, मतलब दोनों साइड में उसका एक्सटेंट है, दैट्स वाई देर आर टू लॉन्गिट्यूड, इसलिए वहाँ पे दो लॉन्गिट्यूड्स है, लेकिन उसका एक्सटेंट, उसकी बाउंड्रीज ईस्ट में भी आती है और वेस्ट में भी आती है, दैट्स वाई ओके इट इज नॉट इनफ, दैट्स वाई इन सच कंट्रीज मोर देन वन स्टैंडर्ड टाइम जोन आर कंसिडर, इसलिए वहाँ पे दो से ज़्यादा टाइम जोन, दो से ज़्यादा स्टैंडर्ड टाइम जोन को वहाँ पे कंसिडर करते हैं, अदरवाइज जैसे अपने कंट्री का एक ही सिंगल स्टैंडर्ड और लोकल टाइम है, उसी टाइप से वो स्टैंडर्ड टाइम होता है। सो डियर स्टूडेंट, दिस इज ऑल फॉर टुडे एंड आई होप ओके यू विल अंडरस्टूड दिस पोर्शन ओके केयरफुली, थैंक यू, टुमारो विल सी नेक्स्ट पोर्शन ऑफ दिस लेसन, थैंक यू।